हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे HTML का बेसिक से एंड तक। हम लोग एक सिंगल वीडियो यहां पर क्रिएट कर रहा हूं मैं, जिसमें आपको कंप्लीट HTML का कोड हम लोग देखेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें यूज करना है, कैसे आप इसे रन करेंगे, वो सारे प्रोसेस हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, या किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर आप HTML को परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास नोटपैड है, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड है आपके पास, या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर आप HTML के कोड को राइट अप कर सकते हैं। ये कोड डिजाइन करने के बाद आप HTML में एक्सपर्ट हो सकते हैं, कि HTML का होल कंटेंट मैं आपको यहाँ पर क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं VS कोड। तो आपको यहाँ पर लिखना है VS कोड डाउनलोड। VS कोड डाउनलोड आप क्लिक करेंगे, देन फर्स्ट आप क्लिक कर दीजिए, फर्स्ट जो आपको लिंक शो कर रहा है उससे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपको मैक के लिए भी है VS कोड, एंड उबंटू है आपका या आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी पे भी आप इसको वर्क कर सकते हैं। तो हमारे पास विंडो है तो हम विंडो को क्लिक कर लेते हैं। एंड इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए डिफरेंट या प्रोसेस बता रहा है, इस टाइप से आपका वर्क करेगा ये। इसमें आपका डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका डाउनलोड जो हो जाएगा वो स्टार्ट हो जाएगा। जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो आपका डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे। कि ये मेरा डाउनलोड हो चुका है, नाउ अब हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। सो आपको डायरेक्ट डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉलिंग प्रोसेस आपका सेम रहेगा जैसे आपके अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। सो डबल क्लिक आई एक्सेप्ट कर दीजिए इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको करना है, नेक्स्ट then next uninstall it, next next operation आपको perform करने हैं, जिससे आपका ये properly install हो जाएगा। then इसको आप finish कर देंगे। जब ये आपका फिनिश हो जाए तो आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, कहीं भी आप एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए और उस फोल्डर को आप एक्सेस कर लेंगे। सो हम लोग डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, एंड इसका नेम हम लोग लिख देते हैं HTML बेसिक। सो डायरेक्ट अगर आपको ये शो करा है तो ओके है, अगर नहीं शो करा है तो आप सर्च से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं VS कोड, एंड ओपन करेंगे अपने ऐप को। ऐप ओपन होगा तो आपका ये ऐप ओपन हो जाएगा। देन यहाँ से आपको क्या करना है, फाइल से उस फोल्डर को आप एक्सेस कर लीजिए। सो न्यू फाइल, न्यू विंडो, ओपन फाइल एंड ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर को आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ से आप उस फोल्डर को ओपन कर लीजिए, जो भी फोल्डर आपको जिसके अंदर आपको कोड राइट अप करना है। सो हमने ये कोड ओपन कर लिया है, सेलेक्ट फोल्डर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको एक मैसेज दे रहा है, यू ट्रस्ट द ऑथर टू फाइल एंड फोल्डर, यस। इसको यस कर दीजिएगा आप। देखिए ये आपका एक फोल्डर आपका यहाँ पर एक्सेस हो गया। आप क्लिक करेंगे तो ये आउटलुक एंड लाइन ये शो कर रहा है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, न्यू फाइल आपको क्रिएट करनी है, देन ये आपका न्यू, इसके अंदर सब फोल्डर आपको क्रिएट करने हैं, या आपको और भी कंडीशन यहाँ पर क्रिएट करनी है तो वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो न्यू फाइल हमें क्रिएट करनी है, क्लिक करेंगे आप, फाइल का नेम यहाँ पर लिख देंगे। सो हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट डॉट HTML, फर्स्ट डॉट HTML से आप इसे सेव कर देंगे। नाउ इसके बाद अब आपको यहाँ पर कोड राइट अप करना है। देखिए जो सबसे पहला कोड होता है, अगर आपको HTML का कोड राइट अप करना है तो इसमें शॉर्टकट भी होते हैं आपके पास, एंड डायरेक्ट आप व्यू के थ्रू भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस करेंगे तो आप इसका साइज इंक्रीज, एंड कंट्रोल माइनस आप करेंगे तो इसका साइज आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर आपको एक्सेस करना है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क को आप राइट अप कीजिए, एंड इसके बाद एंटर करेंगे तो ये आपका जो कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर शो करेगा। जो बेसिक टैग होते हैं आपके HTML में, ये बेसिक टैग हमारे HTML के अंदर यूज होते हैं, जिसमें आपका एक डॉक टाइप होता है जो डॉक्यूमेंट टाइप रिप्रेजेंट करता है। HTML है लैंग्वेज जो न्यू टाइप की आपकी HTML5 है, वो इसी डॉक टाइप पे काम करता है। उसके बाद HTML आपको लिखना है। हेड सेक्शन आपका हेड ये है, जो भी आपका हेड के अंदर डिफाइन करेंगे वो आपका
प्रॉपर वे में शो करेगा हेड के अंदर। देखिए मेटा टैग है, ये एसईओ के लिए होते हैं। एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको परफॉर्म करना है, देन यू कैन यूज एज अ मेटा टैग। इसमें आप ऑथर का नेम, ऑथर की वैल्यू एंड उसके बाद आप इसमें इंडेक्सिंग आप देंगे तो उसके थ्रू आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा। इसके अलावा टाइटल, टाइटल जो भी आप शो करेंगे ये आपका टाइटल शो करेगा एज अ टॉप। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई फर्स्ट HTML code एंड उसके बाद हेड आपका क्लोज हो जाएगा, देन बॉडी जो भी आप परफॉर्म करेंगे बॉडी के अंदर परफॉर्म करेंगे एंड HTML आपका लास्ट में क्लोज हो जाएगा। देखिए इसके लिए आपको अब हमें क्या करना है, इससे आप कंट्रोल एस कर दीजिए, कंट्रोल एस से आपका सेव हो जाएगा ये। अब आपको लाइव सर्वर यहाँ पर एक इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आप ये इस पे जाएंगे एक्सटेंशन एंड यहाँ पर आपको लिखना है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर का मीनिंग है यहीं पर आपको रन करने के लिए भी एक सर्वर मिल जाएगा जिसके थ्रू आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपने ये लाइव सर्वर को आपने इंस्टॉल कर देना है। तो मेरे इसमें ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल है, आपको क्या कर देना है, इसको क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर दीजिएगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आप फाइल में जाएंगे, फाइल को राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन हो जाएगा स्टार्ट लाइव सर्वर, ओपन विथ लाइव सर्वर। इसको आप ओपन कर सकते हैं, लाइव सर्वर से क्लिक करेंगे तो आपका जो वेब डिजाइनिंग का पेज है वो ओपन हो जाएगा। देखिए जो टाइटल के अंदर आपने लिखा था वो आपका यहाँ पर टॉप में शो करेगा माय फर्स्ट HTML कोड। तो ये जो भी आपका कोड होता है ब्राउजर पे आपको शो करता है। सो इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये आपका कोड है। हम लोग इसमें फिर से फाइल पे अपने चले जाते हैं। मे बी ये मेरी फाइल का नेम फर्स्ट थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसको स्पेलिंग सही भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट। सो ये फर्स्ट डॉट HTML मेरी फाइल हो गई। नाउ अब देखिए सबसे पहले बॉडी के अंदर जो पहले टैग आपके HTML में यूज होते हैं वो होते हैं आपके हेडिंग टैग। सो हम लोग इसे थोड़ा अब इसे रिमूव भी, इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज भी आप कर सकते हैं। ये आप करेंगे तो आपका क्लिक हो जाएगा, अदरवाइज आप इस टाइप से इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास होते हैं इसमें हेडिंग टैग, H1 से S6 तक आपके हेडिंग टैग होते हैं। H1 आपने लिखा दिस इज फर्स्ट हेडिंग, आपने लिखा सेम आपको कहाँ तक एग्जीक्यूट करना है इसको 6 तक। सो सेकंड हेडिंग आप डिफाइन कर देंगे यहाँ पर H2 को डिफाइन करेंगे एंड इसके अंदर भी आप मैसेज लिख दीजिएगा देन H3 इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि आपने पहला ऊपर लिखा नेक्स्ट आप क्लोज इसको लास्ट में। तो हर एक टैग जब आपका स्टार्ट होता है तो क्लोज भी करना आपको मैंडेटरी है। इसमें आपके दो टाइप के टैग होते हैं HTML के अंदर, एक कंटेनर टैग होता है, एक नॉन कंटेनर टैग होते हैं। कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जिन्हें आपको क्लोज करना मैंडेटरी होता है, नॉन कंटेनर टैग वो होते हैं आप उन्हें नहीं भी क्लोज करें तो भी वो वर्क करते हैं। जैसे आपका H4 है, ये भी आपका एक कंटेनर टैग होता है। यहाँ पर आपने लिख दिया दिस इज हेडिंग, नेक्स्ट आपको राइट अप करनी है नेक्स्ट हेडिंग। सो H5 है आपकी, क्लोज भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट इसको एंड यहां पर भी आप राइट अप कर सकते हैं कोड को। अब इसको अगर प्रॉपर वे में आपको राइट अप करना है तो आप इसे सिक्वेंशियल वे में स्टोर भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कुछ करना है तो आप लिख दीजिए दिस इज फिफ्थ हेडिंग, ऐसी आपकी एक 6 हेडिंग होगी S6, देन इसको क्लोज कर देते हैं हम S6 से। ये आपका हो जाएगा दिस इज 6 हेडिंग। सेव करेंगे आप, फिर से ओपन कीजिए इसको लाइव सर्वर पर, ओपन विद लाइव सर्वर। तो आप चेक करेंगे H1 इज द हाईएस्ट हेडिंग एंड S6 इज द लोएस्ट हेडिंग इन HTML। तो ये सिंपल एक हेडिंग टैग है आपके HTML में। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको एक पैराग्राफ एक्सेस करना है। तो HTML सिंपल HTML के बारे में आप यहाँ से एक पैराग्राफ एक्सेस कर लीजिए, एक छोटा सा पैराग्राफ आप ले लीजिए या कुछ भी आप
HTML का पैराग्राफ एक्सेस कर लीजिएगा एंड देन आप अपने टैग पे जाएंगे एंड यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टैग आपको यूज करेंगे हम लोग पी टैग इज अ पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग आप डिफाइन करेंगे एंड पैराग्राफ को आप क्लोज भी कर देंगे। नाउ यहाँ पर आपको पैराग्राफ को एक्सेस कर लेना है। पैराग्राफ जब आप एक्सेस करेंगे तो ये प्रॉपर वे में आपको शो करके दिखाएगा पैराग्राफ की वैल्यू को। सो आप नेक्स्ट लाइन पे भी आप इसको एंटर कर सकते हैं, बट ये अपने अकॉर्डिंग आउटपुट में लाइव सर्वर पे आप इसे फिर से ओपन कीजिए। ओपन करेंगे तो आप चेक करेंगे यहाँ पर ये आपका एक पैराग्राफ है जो एक प्रॉपर वे में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ के अंदर आपके मल्टीपल हमारे जो होते हैं फॉर्मेटिंग टैग होते हैं कि फॉर्मेटिंग आपको परफॉर्म करनी है। सबसे पहले आपको इस टैग को बोल्ड बनाना है, तो आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देंगे बी टैग बी एंड देन जहाँ तक आपको बोल्ड करना है उसके बाद आप इससे क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। बी टैग को यहाँ पर क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे आप देन लाइव सर्वर पे या तो आप एग्जीक्यूट कर दीजिए या जो आपका पहले से एग्जीक्यूट है उसे क्लिक कर दीजिए। तो आप चेक करेंगे ये आपका वैल्यू जो है वो बोल्ड हो चुकी है। नाउ इसके बाद आपका इसमें इटैलिक भी होता है, आई टैग होता है, आई को जहाँ तक आपको एग्जीक्यूट करना है वहाँ तक आप ले जाइए, वहाँ तक आप कोड को पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर, सेव करेंगे आप देन इसे रिफ्रेश कीजिए। तो ये देखिए ये टैग आपके क्या हो गए हैं, ये इटैलिक फॉर्मेट में आपको शो कर रहा है इटैलिक फॉर्मेट। ये इसी टाइप से आपका अंडरलाइन होता है, यू टैग होता है आपका अंडरलाइन करने के लिए, आपको कोई टैग कोई वैल्यू अंडरलाइन करनी है देन यू कैन राइट हियर यू टैग। यू टैग आपने राइट अप कर दिया तो आपका जो वैल्यू है वो अंडरलाइन फॉर्मेट में शो करेगा, ये अंडरलाइन फॉर्मेट है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका टैग इसमें होता है मार्क टैग, हाईलाइट करना है आपको कुछ टैग वैल्यू तो उसके लिए आप यूज करेंगे यहाँ पर मार्क टैग, मार्क आप करेंगे और जहाँ तक आपको हाईलाइट करना है उसके बाद आप मार्क टैग को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, सेव करेंगे आप देन आप रन करके चेक कीजिएगा। तो ये देखिए आपका ये एग्जीक्यूट हो चुका है एज अ हाईलाइट फॉर्मेट में, तो ये मार्क टैग हो गया आपका। इसी टाइप से आपका है यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका डिलीट टैग, आपको कोई टैग को डिलीट करना है तो एक लाइन आपकी यहाँ पर ड्रॉ होके आ जाएगी कि ये आपका टैग जो हो गया वो डिलीटेड है, एलिमेंट जो है वो डिलीटेड फॉर्मेट में है। तो डिलीट टैग में आप देखेंगे इस टाइप से यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये क्रॉस आ जाएगा, ये क्रॉस आपका रिप्रेजेंट करेगा, इसको डिलीट कहते हैं हम लोग। इसके अलावा अगर आपको इसकी जगह पे कुछ एंटर करना है तो इंसर्ट टैग होता है आपका, यहाँ पर हम लोग आई एन एस कर देते हैं सम टेक्स्ट इंसर्ट, सम टेक्स्ट इंसर्ट मैंने यहाँ पर कर दिया तो आई एन एस टैग आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। रन करेंगे आप तो देखिए ये जब आप इंसर्ट की बात करते हैं तो उसके नीचे एक लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाती है, दैट मीन्स इट इज इंसर्टेड सम वैल्यू, तो आपकी कुछ वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट हो रही है, तो ये इंसर्ट टैग होता है। इसी टाइप से आपके और भी मल्टीपल होते हैं। इसके अलावा आपको सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट यूज करना है, जैसे मान लीजिए आपको H2O लिखना है, अब पैराग्राफ से बाहर हम आ जाते हैं तो मुझे मान लीजिए H2O लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे आप, H देन HO H2 टू यहाँ पर लिखना है, तो आप सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट नहीं, सबस्क्रिप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, तो सबस्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हैं। सब लिखेंगे देन आप यहाँ पर टू लिख दीजिए देन सबस्क्रिप्ट आपका क्लोज हो जाएगा, H2O आपका यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, सेव करेंगे आप रन करके चेक करेंगे तो ये H2 सफिक्स में आपका चला जाएगा, अगर डायरेक्ट आप लिखते हैं तो वो नहीं जाता है आपका सफिक्स में। इसके अलावा नेक्स्ट आप उसको सुपर स्क्रिप्ट करना, इसके अलावा एक टैग आपका यहाँ पर होता है लाइन ब्रेक के लिए BR टैग आपका नॉन कंटेनिंग टैग होता है, इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। BR का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन पे आपकी वैल्यू जाएगी, जैसे मान लीजिए ये अभी आप देख रहे होंगे पैराग्राफ आपका पूरा इस टाइप से हो रहा है, मान लीजिए मुझे इसके बाद लाइन को ब्रेक करना है तो आप यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वाले में कहीं भी आप लिख दीजिए दिस इज के बाद में यहाँ पर अगर BR टैग यहाँ पर राइट अप कर दूँ, सेव करेंगे आप रन करेंगे इसको तो आप चेक करेंगे तो आपका इज के बाद जो कि लाइन ब्रेक हो चुकी है, तो ये BR टैग होता है, तो सेम BR टैग मैंने यहाँ पर लिखा है। अब मुझे सुपर स्क्रिप्ट चाहिए A स्क्वायर चाहिए तो ये सुपर स्क्रिप्ट में आपका आ जाता है टू ए स्क्वायर ये आपका रिटर्न कर देगा, सेव करेंगे आप चेक करेंगे तो ये देखिए ए स्क्वायर आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, ये सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपके एम्फसाइज टैग थे, ये टैग थे आपके एम्फसाइज टैग। नेक्स्ट आपको अगर इसमें कोई नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे आप नेक्स्ट वैल्यू देन अब आपको ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पर एंटर करनी है।
तो उसके लिए आपके पास टैग होते हैं, इसमें ऑर्डर लिस्ट के लिए होता है आपका ओएल टैग, ओएल टैग आपका है ऑर्डर लिस्ट के लिए। सो ऑर्डर के अंदर आपके सब लिस्ट आइटम आपका यूज होगा। लिस्ट आइटम में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं HTML, पहला जो हमने वैल्यू ले ली वो HTML ले ली है। दूसरा आप लिस्ट आइटम में सेकेंड वैल्यू ले लीजिए CSS, देन नेक्स्ट लिस्ट आइटम में आप JavaScript हम लोग लिख देते हैं, देन इसको क्लोज कर देंगे, आप सेव करेंगे इसको, देन आप लाइव सर्वर से स्टार्ट कर दीजिए। ये आप चेक करेंगे तो ये लिस्ट में 1, 2, 3 के फॉर्म में आपको ये आउटपुट में रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स अ लिस्ट आइटम, ऑर्डर लिस्ट। दूसरी आपकी होती है अनऑर्डर लिस्ट, दूसरा आपका यूएल भी होता है टैग, इसमें यूएल उसके अंदर भी आपके लिस्ट आइटम ही आएंगे, लिस्ट आइटम HTML, लिस्ट आइटम आपका सेम रहेगा, देन दूसरी लिस्ट आइटम यहाँ पर CSS हम लोग दे देते हैं, एंड नेक्स्ट लिस्ट आइटम इसमें हम लोग लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट आप लिखेंगे और लिस्ट आइटम को अंडर ऑर्डर लिस्ट को आप क्लोज कर देंगे, क्लोज करेंगे सेव करेंगे, इसको भी आप चेक कीजिए आउटपुट में, तो ये डॉट के फॉर्म में आपका अनऑर्डर लिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा एक लिस्ट और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। सो नेक्स्ट लिस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं, इसमें प्रोसेस कुछ नहीं होता है आपका। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट आपका क्लोज हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के अंदर आपके दो सब फील्ड आती हैं, आप पहला तो आता है डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, टेक्स्ट मैंने लिखा HTML, क्लोज कर देंगे आप, एंड दूसरा डिस्क्रिप्टिव डेटा आपका होता है, डिस्क्रिप्टिव डेटा DD, HTML stands for hypertext markup language। इसे आप क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे आप, जिसे आपका एक हेडिंग होती है उसके बाद उसकी वैल्यू HTML, देन HTML स्टैंड, ऐसी आपका एक हेडिंग आएगा, देन सब लिस्ट आपकी क्रिएट होगी। तो ये डिफरेंट टाइप की आपकी लिस्ट होती है HTML के अंदर, ये डिफरेंट आपकी इसमें लिस्ट है। तो लिस्ट आपकी कौन कौन सी है, एक ऑर्डर लिस्ट है, एक अनऑर्डर लिस्ट है, और तीसरी आपकी होती है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। नेक्स्ट आपको अगर कोई हाइपर लिंकिंग करनी है, मान लीजिए आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है और उसे लिंक कराना है, तो आप पहले तो यहाँ से एक हम लोग इसके लिए यूज करते हैं एंकर टैग का, तो इसके लिए आपका आता है AHREF इक्वल टू, देन यहाँ पर आप पाथ दे देंगे कौन सा आपको लिंक करना है। मान लीजिए मुझे गूगल का पेज ओपन करना है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए गूगल, इसको आप यहाँ से कॉपी कर देंगे इसका लिंक, देन आपको यहाँ पर क्या करना है HREF के अंदर इसको एंटर कर देना है, देन यहाँ पर आप लिख देंगे इसको, आप इसके बाहर जो है वो क्लोज कर देना है, देन यहाँ पर आप लिख दीजिए क्लिक मी टू ओपन गूगल, सेव करेंगे आप, रन करेंगे इसको, तो आप ये आपका रन है, रिफ्रेश करें आपने, तो देखिए यहाँ पर एक लिंक आपको शो कर रहा है, इस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको गूगल पे पहुंच जाएंगे। इसी टाइप से आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाह रहे हैं HTML में ही, आपको मल्टीपल पेजेस लिंक कराने हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर उस पेज का लिंक दे दीजिए और यहाँ पर आप मैसेज दे देंगे जिसके थ्रू आपको लिंक कराएं। यहाँ पर आप इमेज भी एंटर कर सकते हैं एंड डायरेक्ट लिंकिंग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इमेज एंटर करनी है तो इमेज के लिए IMG src इक्वल टू, यहाँ पर आप पाथ दे दीजिए उस इमेज का, आपकी इमेज किसी भी फोल्डर में हो या आप सेम फोल्डर पे सेव कर लीजिए इमेज को। देखिए मेरे पास मल्टीपल इमेजेस हैं, तो मैं कुछ इमेजेस ले लेता हूँ यहाँ से HTML वाले पेज के अंदर, मेरे पास इमेज है तो मैं एक इमेज यहाँ से ले लेता हूँ, फर्स्ट वाली ये कॉपी की मैंने। पहली कंडीशन तो यह है कि इमेज को भी आप उसी फोल्डर के अंदर सेव कर लीजिए, एक कंडीशन तो यह है। दूसरी कंडीशन आप पाथ भी दे सकते हैं, तो 1. इसका एक्सटेंशन है .jpg, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1.jpg मैंने लिखा, देन इमेज भी आपका नॉन कंटेनिंग टैग होता है, आप डायरेक्ट इसको क्लोज करके सेव करेंगे, देन आप इसे रन करेंगे। देखिए जो हमारा फाइल थी वो ये थी,
रिफ्रेश किया मैंने, तो आप चेक करेंगे यहाँ पर इमेज मेरी ये रिप्रेजेंट हो रही है। इस इमेज की हाइट विड्थ आपको डिसाइड करनी है, तो आप यहाँ पर हाइट भी दे सकते हैं। हाइट आपने दी इज 300 पिक्सल, विड्थ आपको देनी है, विड्थ भी आप दे दीजिए, विड्थ इज 300 पिक्सल। इस टाइप से आप इसकी हाइट विड्थ भी डिसाइड कर सकते हैं। सो मैंने हाइट एंड विड्थ यहाँ पर डिनोट कर दिया। सेव करेंगे आप, रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका हाइट विड्थ जो हो गई वो सेट हो गई है इसका। इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट आप यहाँ पर बी आर टैग लिख दीजिए, अगर आपको इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है इमेज को, बी आर आप करेंगे तो इमेज आपकी हाइपरलिंकिंग के नीचे आ जाएगी। देखिए हाइपरलिंक एंड उसके बाद आपकी इमेज आ गई है। इसके अलावा नेक्स्ट टैग आपका इसमें होता है मार्क्यू टैग। मार्क्यू का मीनिंग होता है फ्लो करना है, आपको किसी चीज को फ्लो करना है, मार्क्यू मार्क्यू। एंड लास्ट में आप मार्क्यू को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जिसे भी आप टेक्स्ट को मार्क्यू करना है उसे भी कर सकते हैं, इमेज को आपको मार्क्यू करना है वो भी आपका मार्क्यू हो जाएगा। देखिए ये मार्क्यू आपका हो रहा है, ये आपका राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। देन अगर आपको इसको चेंज करना है, डायरेक्शन आपको चेंज करनी है, तो मार्क्यू के अंदर भी आपके सब प्रोसेस आते हैं। सो डायरेक्शन इक्वल टू, इसमें डायरेक्शन में आपका अप डाउन राइट एंड लेफ्ट होता है, तो बाय डिफॉल्ट तो आपका लेफ्ट होता है, तो हम यहाँ पर राइट लिख देंगे। राइट आप लिखेंगे, सेव करेंगे इसको, तो देखिए इस साइड से ये स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप अप कीजिए, इसको अप करेंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए अप डायरेक्शन हो जाएगा इसका। डाउन करेंगे तो ये डाउन डायरेक्शन में हो जाएगा। रन करेंगे आप तो ये डाउन डायरेक्शन में आपका वर्क करेगा। तो ये फिलहाल हम इसे राइट ले लेते हैं। देन उसके बाद मार्क्यू के अंदर अदर प्रोसेस क्या आता है, आपको स्पीड अप करना है इसको, तो स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू आप यहां पर दे दीजिए एज अ 10। देखिए फास्टली आपको एग्जीक्यूट करना है, तो देखिए इतने फास्टली आपका ये एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे जैसे आप स्क्रॉल अमाउंट क्रिएट बढ़ाएंगे, मैं इसको 30 कर दूं, तो ये फास्टली एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए इतने फास्टली आपका ये एग्जीक्यूट होगा। अभी देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ कंप्लीट हो रहा है, आप चाह रहे हैं इसी के अंदर ही मूव करें, तो उसके लिए आपके पास होता है एज अ बिहेवियर। इस मार्क्यू का आपको बिहेवियर भी करना है। बिहेवियर इक्वल टू हम यहाँ पर दे देंगे ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट आप कर देंगे तो ये क्या करेगा, इसी बॉक्स के अंदर आप आपका मूव करेगा। ये ऑल्टरनेट है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस टाइप से ये मूव करेगा। तो ये आपके डिफरेंट ऑपरेशन है मार्क्यू के अंदर। एंड मार्क्यू के अंदर आप सब एलिमेंट और भी यूज कर सकते हैं। देखिए मार्क्यू के अंदर आपको अगर क्या करना है, ऑन माउस क्लिक आपको ये जावास्क्रिप्ट के कोड आपके हो जाते हैं, एक्शन ऑन माउस, माउस ओवर, जैसी आपका माउस इसके ओवर हो, ऑन माउस ओवर आप करें इक्वल टू आप यहां पर कर दीजिए एज अ स्टॉप। जैसी आप माउस इसके ऊपर लेके जाएं, ये क्या हो जाए आपका स्टॉप हो जाए, स्टॉप फंक्शन को कॉल कर दे। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है आपका स्टॉप, स्टॉप फंक्शन को ये क्या कर देगा यहां पर कॉल कर देगा। सेव करेंगे आप, रन करेंगे, देखिए माउस में ले गया, ये स्टॉप हो गया, अब स्टॉप ही रहेगा। और अगर आपको उसको रिलीज करना है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ऑन माउस, इसे लोग क्या करते हैं इसको नेक्स्ट लाइन पर ले जाते हैं ताकि आपको प्रॉपर ये शो हो जाए। ऑन माउस आउट आप कर दीजिए, आउट इक्वल टू ये क्या हो जाए आपका स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट आपका हो जाए। सेव करेंगे आप, देन रन करेंगे तो देखिए क्लिक किया, रिलीज किया तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका मार्क्यू टैग इसमें काम करता है। ये तो मार्क्यू की कंडीशन हो गई है। इसके बाद हम यहाँ पर बी आर टैग ले लेते हैं ताकि आपका नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। एंड इसके बाद हम लोग वर्क करेंगे अब टेबल पे। अब आपको इसके अंदर मल्टीपल टेबल क्रिएट कर, एक टेबल क्रिएट करनी है जिसके अंदर आपको रो कॉलम सारी कंडीशन यहाँ पर राइट अप करनी है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहला आपका टैग इसमें होगा टेबल टैग। टेबल टैग आपने क्रिएट किया, देन टेबल के अंदर अगर आपको टेबल में रो क्रिएट करनी है तो टेबल सबसे पहले टेबल के अंदर आपका आता है टीआर, टेबल रो। एंड इस रो के अंदर आपकी कंडीशन आती है, टेबल रो आपका क्लोज हो जाएगा लास्ट में, रो आपका क्लोज हो जाएगा टेबल रो। एंड इस रो के अंदर आपको लिखना है टेबल हेडिंग, जो सबसे टॉप में होती है आपकी टेबल हेडिंग होती है। तो हेडिंग आपने दे दी है यहाँ पर, हेडिंग हमने दे दी है ऐसा नेम, क्लोज हो गई फर्स्ट हेडिंग। अगेन हम लोग हेडिंग दे रहे हैं टी एच,
मल्टीपल हेडिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर एज अ रूम नंबर, देन नेक्स्ट हेडिंग हम लोग दे देते हैं यहाँ पर डी एच, इसमें दे देते हैं हम लोग एज अ ब्रांच, ये दे दिया हमने। ये पहली रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट रो में टी आर के अंदर फिर से टी आर हम लोग स्टार्ट करेंगे, देन इसको क्लोज भी कर देते हैं, टी आर को प्रॉपर फॉर्मेट में आप कर दीजिएगा। देन इसके बाद हम लोग इसके अंदर लिखेंगे टी डी, टेबल डेटा आपको देना है तो हम लोग लिखेंगे टी डी, एंड इस टी डी के अंदर नेम मैंने लिखा क्लास, देन दूसरा टी डी, क्योंकि तीन टी डी आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे, सो टी डी आपने लिया, एंड रोल नंबर लिख लिया हमने 09, एंड नेक्स्ट टी डी आपका यहाँ पर क्रिएट कर दिया हमने टी डी, एंड इसमें दे दिया है आई डी। सो ये आपका क्लोज हो जाएगा। इसी टाइप से आप मल्टीपल टी आर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं कॉपी कर देता हूँ, एंड इसी को हम लोग मल्टीपल टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम ये आपने दिया, सेव करेंगे आप। ये मल्टीपल आपके क्या हो चुके हैं, ये डेटा आपका क्रिएट हो चुका है। रन करेंगे इस कोड को तो आप चेक करेंगे यहाँ पर ये टेबल आपका क्रिएट हो गया, पर टेबल क्रिएट हुआ है इसमें अभी आपका ना ही बॉर्डर शो कर रहा है, कुछ भी नहीं। तो इसके लिए आपको टेबल में क्या लिखना पड़ेगा, टेबल बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू जितने साइज का आपको बॉर्डर देना है वो बॉर्डर आप यहाँ पर दे दीजिए, 2 पिक्सल का आप बॉर्डर दे दीजिएगा। सेव करेंगे आप, रन करेंगे तो ये देखिए एक बॉर्डर के साथ आपकी टेबल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो ये टेबल क्रिएशन है। इसके अलावा टेबल में अब देखिए मर्ज करने आपको ये दोनों रो, अगर कॉलम आपको मर्ज करने हैं तो उसके लिए आपके पास होता है रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन। तो मुझे क्या करना है, ये दोनों कॉलम को अगर कंबाइन करना है तो हम टी डी के अंदर लिख लेंगे कॉल स्पैन, कॉल स्पैन आप करेंगे इक्वल टू मैंने लिख दिया 2, तो ये दो कॉलम को क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा, तो नेक्स्ट वाले टी डी की आपको जरूरत यहाँ पर नहीं है। इसको रिमूव कर देंगे आप, सेव करेंगे तो आप चेक करेंगे यहाँ पर ये दोनों कॉलम ऐड हो गई है एक रो नंबर के अंदर। ऐसी अगर आपको रो को कंबाइन करनी है तो जैसे इसमें आपने लिखा टी, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रो स्पैन, रो स्पैन आप करेंगे, रो स्पैन के अंदर आप 2 रो को कंबाइन करें तो पहले वाले एलिमेंट को आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला वाला आपका वो कैलाश के अंदर ही कंबाइन इसी के अंदर हो जाएगा, क्योंकि जो पहले वाली डेटा है वो दूसरे वाले के साथ कंबाइन हो गया, इसके बाद ये वाली वैल्यू आपके अलग अलग रहेंगी। सेव करेंगे आप, रन करेंगे तो अब देखिए ये 2 रो आपकी कंबाइन हो गई। तो यहाँ पर कॉलम कंबाइन करने के लिए आपका कॉल स्पैन होता है, रो कंबाइन करने के लिए आपके पास रो स्पैन इसमें यूज होता है। तो ये टेबल क्रिएशन है। इसी टाइप से आप टेबल के हाइट वेट भी बढ़ा सकते हैं। टेबल में आप यहाँ पर लिख दीजिए आपको इंक्रीज करनी है हाइट वेट, देन यू कैन राइट हियर हाइट एंड वेट, हाइट इक्वल टू पिक्सल, एंड इसकी विड्थ भी आपको देनी है तो आप विड्थ भी दे सकते हैं, एंड प्रॉपरली आपको मैनेज करना है सब कुछ, वो आप प्रॉपरली सीएसएस से मैनेज कीजिएगा, सीएसएस कास्केडिंग स्टाइल से। देखिए ये आपका टेबल जो है वो हाइट एंड विड्थ जो है इसकी इंक्रीज हो चुकी है। तो ये आपका टेबल की कंडीशन थी। नेक्स्ट इसमें अब आपका है, नेक्स्ट आपको इसमें क्रिएट करना है एज अ फॉर्म। अगर आपको इसमें फॉर्म क्रिएट करना है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका फॉर्म। फॉर्म होता है आपको जैसे यूजर से कुछ इनपुट आपको एक्सेस करना है तो वो आप क्रिएट करेंगे थ्रू फॉर्म। सो फॉर्म के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म का एट्रीब्यूट यहाँ पर राइट अप करना है, फॉर्म, फॉर्म आप राइट अप करेंगे एंड ये क्लोज भी हो जाएगा आपका फॉर्म। इसके अंदर आपके सब फील्ड यहाँ पर होंगे, तो फॉर्म में आपके सब फील्ड होती है। फॉर्म का एक सबसे पहले एक मैथड होता है, मैथड इक्वल टू, ये 2 मेथड होते हैं, गेट होता है, एक पोस्ट होता है, पोस्ट सिक्योर मेथड होता है, एंड गेट में आपका वो यूआरएल पे शो करता है, जो भी आप लिखेंगे वो आपका यूआरएल पे शो करता है, जबकि आपका अगर मेथड कुछ भी नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो गेट मेथड पे करता है, गेट मेथड आपका सिक्योर नहीं होता है, जो भी डेटा आप इंसर्ट करेंगे वो आपका यहाँ यूआरएल पे भी शो करेगा यहाँ पर, तो सिक्योर नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग पोस्ट मेथड को यूज करते हैं। इसके अलावा आपका एक्शन होता है फॉर्म का, एक एक्शन आपको कुछ परफॉर्म करना है तो एक्शन होगा। इसके अलावा इनक्रिप्ट टाइप आपको करना है तो वो भी आपका यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट होते हैं। नाउ नेक्स्ट आपको सबसे पहले फॉर्म के अंदर आपके लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। लेबल आपने लिखा, एक लेबल हमने बनाया और यहाँ पर लिख दिया है एज अ नेम, देन लेबल को आप क्लोज कर देंगे, एंड इसके बाद हम लोग इसी लेबल के अंदर आप आगे एक इनपुट टाइप, इनपुट टाइप आपने लिखा, इसमें लिख देते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट का अपना एक नेम हो सकता है,
नेम नेम ही हम लोग लिख देते हैं एंड इसको क्लोज करेंगे, आप सेव करेंगे इसको, तो आप चेक कीजिएगा यहाँ पर देखिए एक फॉर्म के अंदर आपका ये बना है नेम और ये आपका टेक्स्ट बॉक्स हो गया। यहाँ पर अगर आप कुछ एंटर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर एंटर भी कर सकते हैं कोई वैल्यू। तो ये एक सिंपल फॉर्म आपका यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, फॉर्म में आप कुछ भी एंटर कीजिएगा वो आपका एंड होगा। तो फॉर्म का हम प्रॉपर डिज़ाइन कर रहे हैं एक फॉर्म, एंड फॉर्म से पहले हम लोग यहाँ पर एक सेंटर टैग भी आप लिख सकते हैं ताकि आपकी वैल्यू जो हो वो सेंटर पे शो हो। एंड फॉर्म के बाद आप क्लोज करने के बाद सेंटर को क्या कर दीजिएगा, क्लोज कर देंगे तो आप देखेंगे आप सेंटर पे आपका फॉर्म जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो रहा है। तो फॉर्म के अंदर इसके अलावा फॉर्म के अंदर आप एक सबसे पहले आप सेलेक्ट सॉरी फॉर्म के अंदर आप नेक्स्ट टैग हम लोग यूज करेंगे। तो नेक्स्ट आपको यूज करना है तो आप बी आर कर दीजिए। अब पासवर्ड आपको लेना है तो लेबल ही हम लोग लगाते हैं लेबल, एंड इसके अंदर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा पासवर्ड। पासवर्ड के लिए आपको इनपुट टाइप क्या लेना है, पासवर्ड लेना है इनपुट टाइप, यहाँ पर आप लिखेंगे पासवर्ड। देन इसमें भी आप नेम दे सकते हैं, इसकी आईडी दे सकते हैं, जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हैं। पास हमने लिख दिया है, देन आप इसे क्लोज करेंगे सेव करेंगे तो आप एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो यहाँ पर दूसरी फील्ड आ रही है आपके पासवर्ड की, और ये पासवर्ड की फील्ड अगर कुछ भी आप एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है डॉट डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपकी पासवर्ड फील्ड होती है। इसके अलावा अगर आप इससे पहले फील्ड सेट यहाँ पर लिख देते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फील्ड सेट, फील्ड सेट आपने स्टार्ट किया एंड फील्ड सेट को आप लास्ट में क्लोज कर दीजिए फॉर्म के बाद, फॉर्म से पहले आपका ये क्लोज होगा। तो आपका ये प्रॉपर एक क्या है, एक बॉक्स की फॉर्म में आपका फील्ड सेट की फॉर्म में ये पूरा एक फील्ड सेट हो गया आपका, ये सेट हो रहा है, इसी के अंदर आपका ये फॉर्म जो है वो क्रिएट होगा। फील्ड सेट में आपका यहाँ पर एक टैग और होता है, इसे बोलते हैं आपका लेजेंड। लेजेंड लेजेंड में आप यहाँ पर लिखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लेजेंड को आप यहाँ पर क्लोज भी कर दीजिएगा। लेजेंड आपने लिखा सेव करेंगे आप, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब इस फील्ड सेट की कंडीशन को आप क्या कर सकते हैं, लेस एंड हाइट विड्थ आप सेट कर सकते हैं, वो आप कंडीशन परफॉर्म करेंगे। देन बी आर हमने कर दिया यहाँ पर बी आर। नेक्स्ट आपको अब यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट फील्ड आपको देनी है यहाँ पर रेडियो बटन आपको देना है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए एज अ जेंडर, जेंडर हमने दे दिया, इसको लेफ्ट के अंदर ले लेते हैं। लेबल के अंदर हम लोग यहाँ पर लेंगे जेंडर, जेंडर में आपको बी आर टैग। देन उसके बाद देखिए जेंडर जब भी आप लिखेंगे तो आपको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एज अ मेल, मेल के अंदर आप लिखेंगे इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो एंड इसका नेम। अब देखिए इसमें नेम आपको दोनों को सेम देना पड़ेगा, जेंडर अगर आप सेम नहीं देते तो टॉगल की कंडीशन नहीं आएगी। और इसमें एक चीज और होती है आपकी वैल्यू इक्वल टू मेल, सेम आप यहाँ पर भी राइटअप करेंगे मेल, एंड दूसरी कंडीशन आप फीमेल के लिए दे दीजिए, फीमेल आपने लिखा यहाँ पर इनपुट टाइप रेडियो एंड यहाँ पर नेम लिख देंगे इसका। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं जेंडर वन लिख देता हूँ और ये वैल्यू आप दे देंगे वैल्यू इक्वल टू फीमेल, जब आपका डेटाबेस कनेक्ट होता है तो ये वैल्यू के थ्रू उसको एक्सेस करेगा, एंड उसके बाद आपका ये आपका सेव करेंगे आप रन करेंगे इसको, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे देखिए यहाँ पर आपका मेल एंड फीमेल जेंडर के अंदर मेल एंड फीमेल जो है वो शो कर रहा है। जब आप क्लिक करेंगे तो दोनों क्लिक हो रहे हैं, तो यहाँ पर टॉगल की कंडीशन नहीं आ रही है और ये चीज़ आपके फील्ड सेट के अंदर भी नहीं आ रहा है। तो फील्ड सेट को आपको क्या करना है, लास्ट में क्लोज करना है, मैंने पहले क्लोज कर दिया ही तो मैं इसको यहाँ पर से क्लोज कर देता हूँ। फॉर्म क्लोज होने से पहले आप इसे क्लोज करेंगे सेव करेंगे इसको, देन आप रन करके चेक कीजिए तो यहाँ पर टॉगल की कंडीशन आपकी जनरेट नहीं हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का नेम जो है वो सेम रखना है। सो जेंडर जेंडर सेव करेंगे आप इसे रन करेंगे। अब देखिए एक को सेलेक्ट करेंगे दूसरे को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा, तो ये आपकी क्या है यहाँ पर एज अ टॉगल कंडीशन है। जेंडर के बाद आप इसे बी टैग मत दीजिए तो आपका प्रॉपर ये शो हो जाएगा, जेंडर के आगे आपकी वैल्यू आ जाएंगी मेल एंड फीमेल।
इसी टाइप से नेक्स्ट आपको मल्टीपल वैल्यू सिलेक्शन के लिए कुछ फील्ड यहाँ पर राइटअप करनी है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे चेकबॉक्स। सो एक लेवल हम लोग लेते हैं लेवल, देन इसमें लेते हैं एजुकेशन, लेवल क्लोज हो जाएगा आपका। देन इसमें हम लोग ले लेते हैं एज अ टेंथ, तो इसमें आप दे देंगे इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। नेम यहाँ पर आप अलग अलग नेम दे सकते हैं, नेम हम लोग ले देते हैं टेंथ ही दे देते हैं। एंड इसमें भी आपको वैल्यू देनी है, वैल्यू इक्वल टू टेंथ एंड ये क्लोज हो जाएगा आपका। देन सेकेंड ट्वेल्थ, इनपुट टाइप इक्वल टू इसे भी आप दे दीजिए चेक चेकबॉक्स। देन नेम इक्वल टू ट्वेल्थ एंड इसकी वैल्यू इक्वल टू ट्वेल्थ जी आप देंगे, क्लोज कर देते हैं, सेव करेंगे आप इसको। देन आप इसे रन कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए ये चेक बॉक्स है आपका, ये मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आपका यूज होता है। इसी टाइप से आपको यूजर से बीआर टैग हम लोग टाइट अप कर देंगे। अब आपको यहाँ पर यूजर से डेट ऑफ बर्थ लेनी है एज अ कैलेंडर फॉर्मेट में, तो हम लोग यहाँ पर एक लेवल लेते हैं डीओपी। उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इनपुट टाइप इक्वल टू डेट आप लिख देंगे, देन नेम आप इसका भी दे दीजिए एज अ डी ओ पी, क्लोज करेंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे आप तो आप चेक करेंगे यहाँ पर एक बॉक्स आएगा आपका, जिसके अंदर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक कैलेंडर आपका यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा एंड इस कैलेंडर से आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट आपको बटन अगर क्रिएट करने हैं तो आपके पास यहाँ पर है इनपुट टाइप सबमिट बटन, आप क्रिएट कर सकते हैं एक सबमिट बटन, नेम इक्वल टू सबमिट एंड देन इसकी वैल्यू भी आपको देनी पड़ेगी कि कुछ वैल्यू ये आपको रिप्रेजेंट करे, देन वैल्यू इक्वल टू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन आप कर देंगे, क्लोज करेंगे तो आप सेव करेंगे इसको, चेक करेंगे इसमें तो ये देखिए एक बटन आपका क्रिएट हो गया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है फर्स्ट डॉट एचटीएमएल, बट ये पेज आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, एक प्रोसेस दे दिया है। आप एक्शन में अगर कुछ लिखेंगे तो वो वहाँ पर आपका शो कर देगा आउटपुट में, तो ये आपका एक बटन क्रिएट हो रहा है। अगर यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट हमने एक्शन में कुछ राइटअप नहीं किया है तो ये ब्लैंक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर आप एक्शन में सेम पेज को ही ओपन करना है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, सेव करेंगे आप, देन आप इसे रिफ्रेश करके रन करेंगे, रजिस्टर को क्लिक किया आपने तो फर्स्ट डॉट एच टी एम एल आपका भी जो है वो इस पोर्ट एड्रेस पर क्या कर रहा है, ब्लैंक वैल्यू दे रहा है। तो इस टाइप से आपका ये एग्जीक्यूट हो सकता है, मतलब ये हाइपरलिंक सबमिट बटन है, सबमिट बटन को जैसे क्लिक करेंगे आप कुछ ना कुछ एक्शन आपका परफॉर्म होगा, ये पोस्ट मेथड के थ्रू आपका परफॉर्म होगा। अगर आप मेथड नहीं लिखते देखिए अब सेव किया हमने इसे, देन आपने इसको रन करते हैं, हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं पहले, मे बी ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको लाइव सर्वर पे ओपन कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ एंटर करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ एंटर किया एंड पासवर्ड में भी हमने कुछ एंटर किया, ये आपका एंटर हुआ, डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट की, देन आपने रजिस्टर किया, तो देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है, ये यहाँ पर आपका ये जो गेट मेथड के थ्रू है आपकी वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेथड जो गेट मेथड होता है वो सिक्योर नहीं होता है, जो भी डेटा आप एंटर करेंगे फॉर्म में वो आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो ये था आपका फॉर्म फील्ड इन एचटीएमएल। इसके अलावा आपको अगर जनरल बटन क्रिएट करना है तो आप सीधे बटन बटन टैग से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। बटन आपने लिखा है यहाँ पर एंड मैं यहाँ पर लिख दूँ लॉग इन, सेव करेंगे आप तो ये भी आपका एक बटन है, ये जनरल बटन आपका क्रिएट हो गया है यहाँ पर, देखिए एक लॉग इन का बटन आपका क्रिएट हो चुका है, तो ये आपका एक जनरल बटन है। इसके अलावा आप बटन को इस टाइप से भी क्रिएट कर सकते हैं, इनपुट टाइप
इनपुट टाइप आपने यहाँ पर लिखा इक्वल टू, आपने यहाँ पर दे दिया एज अ बटन, बटन आपने दे दिया, एंड इसका नेम हम लोग ले देते हैं इक्वल टू इज नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख देते हैं, एंड वैल्यू इक्वल टू नेक्स्ट हम लोग कर देंगे यहाँ पर, सेव करेंगे आप इसे, रन करेंगे तो आप चेक करेंगे यहाँ पर ये भी एक बटन आपका क्रिएट हो रहा है। तो इस टाइप से आप इसमें बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट HTML के टैग थे आपके। देन इसके अलावा आपको अगर फ्रेम इसमें क्रिएट करना है कि एक ही पेज पे आपको मल्टीपल फ्रेम एक्सेस करने हैं, आई फ्रेम आपको क्रिएट करना है, तो वो भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेम के लिए आपको पहले मल्टीपल फाइल आपको क्रिएट करनी है, तो हम लोग यहाँ पर फाइल में दो तीन फाइलें और क्रिएट करेंगे। तो एक फाइल मैं क्रिएट कर देता हूँ फ्रेम फर्स्ट डॉट HTML, ये आप क्रिएट कर दीजिए, और इसमें हम लोग डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर आप राइट अप कर दीजिएगा सिंपल H1 टैग के अंदर, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, H1 के अंदर हम लोग यहाँ पर राइट अप कर देते हैं फ्रेम फर्स्ट। ऐसे आपको दूसरा फ्रेम क्रिएट करना है, एक और फ्रेम हम लोग क्रिएट कर लेते हैं मेन फ्रेम डॉट HTML। इसके अंदर हम लोग फ्रेम क्रिएट करेंगे, तो हमने यहाँ पर देखिए फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे आप, हेड सेक्शन के अंदर ही आपको फ्रेम को क्रिएट करना है। सो पहले आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रेम सेट, फ्रेम सेट। अब रो में क्रिएट करना है, कॉलम में क्रिएट करना है, तो कॉल्स हम लोग लिख देते हैं इक्वल टू, आप डिवाइड कर देंगे फ्रेम को। सो मैं 50% एंड 50%, दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। ये आपका है पूरी स्क्रीन जो है उस, वो आपकी दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले फ्रेम में, फर्स्ट फ्रेम में हम लोग दे देते हैं फ्रेम, यहाँ पर आप लिखेंगे SRC इक्वल टू, यहाँ पर नेम दे देंगे फर्स्ट फ्रेम, फर्स्ट फ्रेम, फर्स्ट फ्रेम फर्स्ट डॉट HTML दे देते हैं। और दूसरे फ्रेम में हम लोग दे देंगे जो हमने इससे पहली फाइल बनाई थी, सो फ्रेम, इस फ्रेम में हम लोग SRC के साथ इक्वल टू, यहाँ पर दे देते हैं आपका हम फर्स्ट डॉट HTML। अब ये दूसरी फाइल है आपकी, सेव करेंगे आप इसे। इस फाइल को अगर ओपन लाइव सर्वर पे आप करेंगे तो देखिए ये दो पार्ट में आपका टूट गया है, ये फ्रेम आपका दो पार्ट में टूट चुका है। पहले फ्रेम में तो आपका जो हमने पहली वैल्यू लिखी थी वो आपकी शो कर रहा है, दूसरे फ्रेम में आपकी दूसरी जो फर्स्ट फाइल आपकी मल्टीपल एट्रीब्यूट के साथ आपने क्रिएट की थी HTML टैग के साथ, वो आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इस टाइप से आप इसमें फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेम अगर आपका हो जाए तो आप आई फ्रेम भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेम तो आपका होता है कि आपकी जो मल्टीपल फाइल है उनको सब पार्ट में तोड़ता है। आई फ्रेम का मीनिंग क्या होता है, आई फ्रेम हम लोग फ्रेम वन के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें जैसे फ्रेम मैंने वन बनाया है, इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे आई फ्रेम, एंड आई फ्रेम के अंदर सब फील्ड आपको एंटर करनी है, तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप आई फ्रेम, आई फ्रेम, देन उसके बाद आपको यहाँ पर दे देना है SRC इक्वल टू, यहाँ पर फाइल का नाम दे दीजिए, यहाँ पर फाइल हम दे देते हैं एज अ फर्स्ट डॉट HTML। इन बिल्ड फाइल के अंदर आपकी एक फाइल जो है वो एक्सेस हो जाए। सो आई फ्रेम आपका क्लोज हो जाए, सेव करेंगे आप, रन करेंगे इसको लाइव सर्वर पे, तो आप देखेंगे देखिए यहाँ पर उस फ्रेम के अंदर ये सब फ्रेम फाइल आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो ये आई फ्रेम का काम करता है आपका। और अगर आप उस वाली फाइल को ओपन करते हैं जिसमें आपका फर्स्ट डॉट HTML वाली फाइल जिसमें आपने सब फाइल आपने क्रिएट की थी मेन फ्रेम के अंदर, आपने सब पार्ट में से तोड़ा था, सेव करेंगे आप इसे, देन इसे आप लाइव सर्वर पर रन करते हैं, तो आप चेक करेंगे यहाँ पर देखिए इसके अंदर ये आई फ्रेम है और ये जो दो पार्ट में टूटा है ये आपका फ्रेम है। इसके अलावा अगर आप फ्रेम की बात करें, आप फ्रेम सेट को कॉलम में तोड़ रहे हैं, इसको आपको रो में एंटर करना है, तो आप रो में भी कर सकते हैं, रोज रोज आप करेंगे, सेव करेंगे आप इसे, रन करेंगे, तो ये आपका रो फॉर्मेट में
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए ये दो पार्ट में आपका टूट चुका है, रो में, दो रो में ये आपका डिवाइड हो जाएगा 50-50% में। ऐसी मल्टीपल पार्ट में आपको तोड़ना है तो यहाँ पर आप 100% को डिवाइड कर देंगे मल्टीपल पार्ट में, और सब फ्रेम भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट कोर था HTML का, जिसमें आपका फर्स्ट HTML एंड सेकेंड HTML के थ्रू आपने इसको क्रिएट किया था। तो ये आपका कोड है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये कंप्लीट HTML कोड है। इसमें फ्रेम भी हमने क्रिएट कर दिया है, फॉर्म भी आपका क्रिएट करके मैंने बता दिया है, वन फ्रेम से दूसरा फ्रेम आपका कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये आपके फॉर्म के फील्ड हैं। प्रॉपर वे में अगर फॉर्म क्रिएट करना है तो आप इसको टेबल के अंदर बनाइए पूरा कोड। तो ये था आपका HTML का कोड। थैंक यू स्टूडेंट।